हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस खूबसूरत से अजीलिया के फूल के साथ मैं आपका अपने चैनल मायाज वाटिका में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्या आप चाहते हैं कि बहुत ही कम देखभाल में अपने घर को सुंदर और हरा भरा बनाएं? तो आपको लगाना चाहिए एरिका पाम। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर को हरियाली से सजा देगा। इसकी खूबसूरत लंबी हरी पत्तियां जब हवा में हिलती हैं तो एक अलग ही एहसास देती हैं। अपने हरियाली के साथ साथ ये हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। अगर आपने इसके 6 से 7 प्लांट लगा दिए तो फिर आपको कुछ और प्लांट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उस जगह को अपनी हरियाली और खूबसूरती से भर देंगे। मेरे पास ये 4 प्लांट है गमले में और ये 3 साल से मेरे पास हैं और मैंने इन्हें इसी पॉट में लगा दिया था जब मैं इन्हें नर्सरी से लाई थी। तब से ये इसी पॉट में हैं। ये पॉट 12 इंच के हैं। आप भी जब इन्हें लगाएं तो 10 या 12 इंच के पॉट में लगाएं, या आप इससे इन्हें आप और भी बड़े साइज के पॉट में लगा सकते हैं। इसकी बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। अरेका पाम के साथ अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो ये बहुत ही कम देखभाल मांगते हैं। बस थोड़ा धूप और पानी का ध्यान रखें। इन्हें तेज धूप में ना रखें, इन्हें शेड वाले एरिया में रखें। और मैंने इन्हें अपने घर के बरांडा में रखा है जहाँ धूप तो आती है पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है। हमारा घर पूर्वमुखी है तो इस पर सुबह की धूप पड़ती है जो कि अरेका पाम के लिए बहुत अच्छी है। सभी प्लांट्स के लिए अच्छी होती है सुबह की धूप, हमारे लिए भी अच्छी होती है। और इन्हें ब्राइट सनलाइट पसंद है और ठंडा पसंद है, तो अगर बहुत गर्मी होती है तो मैं दिन में 2 बार इनकी पत्तियों में पानी का स्प्रे कर देती हूँ। इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इन्हें देख कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर पानी की बात करें कि इन्हें पानी कैसे देना चाहिए, तो जब भी आप पानी दें तो थोड़ा चेक कर लें कि इनके जो गमलों की मिट्टी है वो 1 से 1.5 इंच तक सूखी हुई हो, उसके बाद ही पानी दें। और जब भी पानी दें इसमें तो इसके गमले को भर कर पानी दें और तब तक दे पानी जब तक इसके गमले के नीचे से बहने ना लग जाए। और धूप में तो इसे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्राउन कलर की हो जाएंगी और सूख जाएंगी। और अगर खाद की बात करें तो आप साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। मैं तो अभी इन्हें 3 सालों से यही दे रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं कैमरे में इतने अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन रियल में ये बहुत सुंदर हैं, बहुत घने हैं और इनकी हाइट लगभग 4 फीट की होगी। और जो भी मेरे घर में आता है वो मेरे अरेका पाम को देखकर बोलता है कि आप इनमें क्या डालते हो, ये बहुत सुंदर हैं और इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं।
देखिए ये वाली जो पत्तियां हैं ये थोड़ी बाहर को निकली रहती हैं, तो हल्की सी पीली हो गई हैं। अगर इसे छाए में रखेंगे तो ये बिल्कुल हरा रहता है। मैं इनकी सूखी जो पत्तियां होती हैं उनको इनकी जड़ में ही काट के डाल देती हूँ, ताकि जब मई जून की तेज गर्मी पड़ती है तो इसकी जो जड़ों की जो मिट्टी है वो जल्दी से ना सूखे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने अपने इन्हें अपने घर के बरांडा में लगा रखा है, तो जब मैं सुबह उठती हूँ और बाहर आती हूँ तो सबसे पहले मुझे यही दिखाई देते हैं, अरिका पाम, और इनकी हरियाली दिखाई देती है और इतना अच्छा लगता है इन्हें देखकर। और वैसे भी सुबह उठकर हमें हरियाली देखनी चाहिए, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अरिका पाम के ऊपर, इनकी देखभाल के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आपको मेरे इन अरिका पाम की हरियाली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इन अरिका पाम की हरियाली के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।